तो दोस्तों कितना बचना आ रहा है आज दोस्तों देख सकता हो कि हाईवे पर ट्रक पलटी हो गया है, रेती का भरा हुआ ट्रक है, पूरा पूरा ट्रक पलटी हुआ। देख लो पूरा ट्रक पलटी हुआ है, किसी गाड़ियाँ जाम हो रही है, क्या निकल रही है। आगरा से 15-20 किलोमीटर दूर ट्रक पलटी हुआ है। हमारे छोटे भगत राहुल जी खड़े देख सकते हो दोस्तों, आज इस ढाबे पर हमारी सोने की व्यवस्था हुई है। बहुत मच्छर है, ये देखो कितने मच्छर है, मच्छर ही मच्छर है। यहाँ पर सोने की व्यवस्था हुई है, हमारे दुर्गा भगत तो थक गए तो थोड़ा नींद आ रही है, इसलिए सोए नीचे खाना खा रहे। बाकी जान सब मच्छर है, अंधेरा पीछे खेत थे, अंधेरा कुछ दिख नहीं पा रहा है। चलो मैं तुमको दिखा रहा हूँ ढाबा, ये नीचे ढाबा, ऊपर सोने की व्यवस्था थी, तो सीधी ढाबे की पूरी खुली हुई। ये ढाबा है, ये ढाबे पे आज खाना भी खाएगी देरी, सोएगी भी देरी, ढाबे का काम बताता हूँ आपको। अंधेरा टाइम और वो आ नहीं रहा है, फिर भी बता देता हूँ, त्यागी होटल करके एक नाम है, इस तरह त्यागी ढाबा करके देख सकते हो नहीं आ रहा है बराबर अंधेरे की वजह से। त्यागी होटल है, त्यागी भाई का ढाबा है, उधर खाना खा रहे और बगल इधर खाना खाए और ऊपर सोएगी। आज किधर रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाई है, कोई मंदिर बीच में मिला नहीं, कोई धर्मशाला नहीं मिली हमें, इसलिए इधर ही रुकने की व्यवस्था हुई है। क्या हमारे भगत लोग बैठे हुए खाने का वेट करते हुए, हमारे भगत सब खाने के लिए खाने की व्यवस्था में बैठे हुए तो ककड़ी खा रहे हैं। हमारे गजेंद्र भाई इनकी स्पेशल रिक्वेस्ट आई है, खाना खा रहे और शर्मिले टाइप के हैं, खाना खा रहे हैं, अभी नहाए धोए बढ़िया फ्रेश हो, अच्छा लग रहा है, और खाने की तैयारी ऑर्डर दिया है यार। आज बोल दिया उन्हें, थोड़ा शर्मिले टाइप के हैं, सवेरे बोला रिक्वेस्ट किया उनसे, सवेरे बोलेंगे अपने बारे में बताएंगे सवेरे। तो हमारे भगत आज इन्हें आराम मिल गया है, ढाबे पर खाना खा रहे ककड़ी से शुरुआत कर दी इनकी। हमारे दीपक भगत शंकर भगत बैठे हुए पूरा, चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल सफर फिर यात्रा शुरू करेंगे तो आपको पूरी जानकारी देंगे। थैंक यू दोस्तों, आप देख सकते हो सफर के 5 बजे हमारे भगत लोग चाय पी रहे, जो ढाबे पे हम रात में रुके थे वही ढाबे पे अब चाय बनी है, ये चाय पी रहे हमारे भगत लोग सब बैठे हुए। जय माता दी, हमारा भगत लिए अगरबत्ती लगाई गई साइकिलों में, सब साइकिलों में अगरबत्ती लगाई हो। जय माता दी, जय गो माई, जय माता दी, जय माता जी, जय माता जी। लगाइए भरत भगत जी अगरबत्ती फटाफट सबको दिखाइए। जय सब में लग गई अगरबत्ती, आप देख सकते हो। जय माता जी, जय माता जी, जय माता। साइकिलों खड़ी है, पंप भरा जा रहा है, साइकिलों में हवा चेक करी जा रही है।
दोस्तों देख सकते हो अभी यहाँ से निकलने की तैयारी है। आज मथुरा पहुँचे, वृंदावन के दर्शन करेंगे। हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि, पावन जन्मभूमि तक पहुँच जाएंगे आज हम। आज मथुरा, वृंदावन, यमुना मैया सबके दर्शन करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा गजेंद्र भाई है, इनके लिए स्पेशल कमेंट आया था कि हमारा गजेंद्र भाई दिखते नहीं है। तो वो गजेंद्र भाई थोड़े शर्मीले टाइप के इंसान है, इसलिए वीडियो में सामने आते नहीं है। और आज वो उनको स्पेशल रिक्वेस्ट की है तो वो सामने आए, आज बताइए फिर। वो बताइए पहले हमारा भगत जी, थोड़ी सी जानकारी देंगे। हम लोग क्या है, रात को वहाँ पे विश्राम कर रहे थे ढाबे पे, अब मथुरा के लिए रवानगी डालेंगे माता रानी के लिए। गजेंद्र भाई बताएंगे। जय माता रानी। आज हमें आज रुके थे यहाँ पे, अब सुबह मथुरा के लिए निकल रहे हैं। मथुरा रुकेंगे, दर्शन वर्शन करेंगे, फिर आगे दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। और सब रास्ते में अच्छा चल रहा है, सब कोई बढ़िया है, कोई बात की दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। माता जी का आशीर्वाद है और सब लोगों की दुआएं। जय माता गजेंद्र भाई। अभी तक का सफर कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया सफर रहा भाई, लोग सब साथ में परिवार से, ऐसा लग रहा है कि अपन अकेले जा नहीं रहे माता के दर्शन के लिए, ऐसा लग रहा है। बहुत बढ़िया अच्छे से जा रहे हैं और सब परिवार साथ में एक दूसरे की हेल्प करके चल रहे हैं। कोई पीछे नहीं है, कोई आगे नहीं, सब बराबर चल रहे हैं, सब आराम से जा रहे हैं। पैर और आपके कैसे बोल? सब बढ़िया है, माता रानी की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है। और मैं तो बोलता हूँ माता रानी का आशीर्वाद सब तो बना रहे, सब भगत आराम कुशल मंगल जा रहे, कुशल मंगल आएंगे। जय माता दी बोल दो। देख सकते हो कितने उत्साहित है हमारे भक्त लोग, देख सकते हो हमारे भगत लोग कितने उत्साहित है। उनके चेहरे पर थोड़ी भी थकावट नहीं है, रात को 12 बजे से सो रहे, 4 बजे उठ रहे, फिर भी उनके चेहरे पर थकावट नहीं है। माता रानी के दर्शन करने के लिए सवेरे उठ के तैयार हो जा रहे। ये देख रहे सब किस तरीके से खड़े हैं। जय माता जी, जय माता जी। सबके चेहरे फ्रेश लग रहे हैं। चलो दोस्तों अब आगे की जय, मैया की जय। लोग ले रहे सब आराम से। चलो भगत यहाँ से निकलते हैं हम। दोस्तों आगे की खबर मथुरा में जाके आपको देंगे, रास्ते में क्या कर रहे हैं हम बताएंगे आपको आगे।